गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे कैबिनेट हॉल में होगी बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई है बैठक। जेपी के गांव सतावदियारा में जेपी की प्रतिमा पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। इस मौके पर बोले, जेपी का नाम लेने वाले आज कांग्रेस के साथ, सत्ता के लिए सीएम ने बदला पाला। नीतीश कुमार ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा जेपी को जानते नहीं फिर भी बोल रहे हैं। कल शाह ने कहा था जेपी आंदोलन से निकले नेता कांग्रेस की गोद में बैठे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा गुजरात के बारे में कितना जानते हैं दोनों नेता, आजादी और जेपी आंदोलन के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। उपचुनाव की दोनों सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार का ऐलान। मोकामा से आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को बनाया उम्मीदवार। वहीं गोपालगंज सीट से आरजेडी के मोहन गुप्ता लड़ेंगे चुनाव। आज गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। सुरक्षा चाक चौबंद। चुनाव आयोग के लिफाफे पर बोले राज्यपाल रमेश बैस, का लिफाफा कब खुलेगा ये मेरी मर्जी, मेरा अधिकार क्षेत्र। जेएमएम बोली जनता चाहती है लिफाफे में क्या है, साफ हो। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक रविशंकर उराव ने बैठक को किया संबोधित। बोकारो में जमीन विवाद में फायरिंग शुरू, पूर्व मुखिया पर गोली चलाने का आरोप। घटियाली पंचायत की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के नगर थाना इलाके में 6 की संख्या में आए अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बाबा परिहस्त ग्रुप का सदस्य है घायल राहुल। रक्सौल में गरीब मरीजों को निजी अस्पताल में ले जाने वाली आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार। आशा कार्यकर्ता को चिकित्सा पदाधिकारी ने रंगे हाथ पकड़ा। बेगूसराय में फौजी की हत्या के बाद ग्रामीणों का हंगामा। आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम। आरोपी के घर पर हमला कर वाहन में भी की तोड़फोड़। बेगूसराय में अपराधियों ने रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद इलाके में सनसनी ने आगा। थाना इलाके के सोनापुर गांव की घटना। आरा में युवती का शव मिलने के बाद मामले में जांच तेज। घटनास्थल से 3 खोखा और कपड़े बरामद। पुलिस ने दुष्कर्म की घटना से किया इनकार। राजधानी पटना से सटे हुए दानापुर में अपराधियों ने पत्रकार को मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बांका के जयपुर थाना इलाके में डायन बिसाही के आरोप में भतीजे ने की चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या। आरोपी भतीजा गिरफ्तार। शव बरामद करके छानबीन कर रही पुलिस। नवादा में अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 1 महिला की मौत। 5 लोग जख्मी, सभी का इलाज जारी। नालंदा के अलग अलग थाना इलाके में वज्रपात से 2 की मौत। मानपुर और पावापुरी उपी इलाके में हुई घटना। दोनों मृतक अपने खेत में काम कर रहे थे। लखीसराय के बढ़रिया थाना इलाके में कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। गंभीर हालत से पटना रेफर। छपरा में बिहार पुलिस की बस और बाइक में टक्कर। हादसे में 2 युवक की मौत। हादसे के बाद बस में लगी आग। खूंटी जिले के तपकरा के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की ट्रेन से कटकर हुई मौत। 2 महीने पहले रोजगार की तलाश में गोवा गया था शख्स। चाईबासा में 2 छात्रों के शव 24 घंटे के बाद हुए बरामद। संजय नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। झाझा सोनू मुख्य मार्ग पर भलुआ गांव के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। चालक ऑटो वाहन के नीचे दबकर हुआ घायल। पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके के मोहली पंचायत के गहरे नाले में डूबने से 1 महिला की हुई मौत। एसडीआरएफ की मदद से शव को निकाला गया बाहर। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ के सामने ही डीसीएलआर ने एक शख्स पर जूते मारने की कोशिश की। रिश्वत लेने से जुड़ा था मामला। नालंदा में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। 2 महिलाओं के बाल पकड़े और जबरन उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई पुलिस। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी रहे मौजूद। हजारीबाग के कई कार्यालय में चलकुशा प्रखंड के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने किया घेराव। 13 सूत्री मांगों को लेकर जताया विरोध। बेगूसराय में बीजेपी नेता विजय सिंह की हत्या। बदमाशों ने गोली मारी। भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने एसपी योगेंद्र कुमार से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के केस का फैसला करवाने की मांग की। बोकारो के चास चंदन क्यारी के रैयतों ने सीओ के खिलाफ खोला मोर्चा। सीओ हटाओ जमीन बचाओ जैसे नारे के साथ निकाली रैली। साहिबगंज में लोगों ने डीलर पर राशन वितरण नहीं करने और गाली गलौज करने को लेकर डीसी को घेरा। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट में एक नाबालिग लड़की और महिला सहित 3 लोग हुए घायल। सभी का इलाज जारी।
पटना सिटी में जमीन की घेराबंदी का विरोध, लोगों के विरोध के बाद मौके से लौटे अधिकारी, वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर की जा रही थी घेराबंदी। बेतिया में युवक की मौत के बाद हंगामा, शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग। बेगूसराय में साइकिल चोरी करते हुए चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, फुलवरिया थाना इलाके के मध्य विद्यालय शोखला के पास की घटना, छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर में कुशवाहा मार्केट में बीजेपी नेता संजीव मंडल के चाचा के घर पर चोरी का मामला, पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद, दो चोर गिरफ्तार। कोडरमा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की गई 5 बाइक के साथ 5 चोर को भी किया गिरफ्तार। पटना पुलिस ने घूसखोर और रंगदारी वसूलने वाले आरोपी चिंटू कुमार को किया गिरफ्तार, आरोपी चिंटू सस्पेंडेड पुलिसकर्मी है जो कि लोगों को धमका कर करता था रंगदारी। लखीसराय में 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 5 अक्टूबर की शाम को दिया था वारदात को अंजाम। विक्रम अनुमंडल के नौबतपुर थाना इलाके के नगवा गांव के पास मिनी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, 2 कारोबारी मौके से गिरफ्तार। बाकम उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 13 शराब तस्कर और 102 शराब पीकर घूमने वाले को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। रामगढ़ में ब्राउन शुगर के साथ 1 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान सुजीत राम को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से ड्रग्स भी बरामद किए। भागलपुर में यात्री बस से 35 कार्टन शराब बरामद की गई, मौके से तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से बेगूसराय होनी थी डिलीवरी। धनबाद के झरिया सीओ प्रमेश कुशवाहा ने कोयला और बालू से लदे हुए ट्रक को किया जब्त, छापेमारी से तस्करों में मचा हड़कंप। गुना में शराब माफिया का अनोखा कारनामा, भानपुरा में जमीन में टंकी लगाकर लगा दिया हैंडपंप, पुलिस के हैंडपंप चलाते ही निकली शराब। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम में मुंगेर की बेटी ने लहराया परचम, संदलपुर की रहने वाली नेहा ने 107वीं रैंक हासिल की। धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ने डीसीसी की मुलाकात, 12 सूत्री मांग पत्र, सरकारी जमीन पर कब्जा सहित तमाम मांगों को लेकर अब बढ़ाने की मांग की। पीएम मोदी की ओर से महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर के पर धनबाद के विधायकों ने बड़े स्क्रीन पर देखा सीधा कार्यक्रम, बीजेपी कार्यकर्ता और शिव भक्त रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में बन रहे पार्क का डीएम ने किया निरीक्षण, निर्माण एजेंसी को दिए कई दिशा निर्देश। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग उपायुक्तों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, झारखंड सरकार की योजनाओं की उपलब्धि के साथ अन्य विषयों पर चर्चा। कोडरमा में अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नवलसाही थाना इलाके में खरखार में अवैध रूप से संचालित क्रशर को किया गया ध्वस्त। दुमका को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का जल्द होगा लोकार्पण, भवन निर्माण विभाग ने 32 करोड़ की लागत से बनवाया है सेंटर। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण को लेकर 40 युवाओं की टीम लोहरदगा से रांची रवाना, प्रशिक्षण को लेकर सारी सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से की जा रही। बीजेपी ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से सोनम देवी को बनाया उम्मीदवार, सोनम देवी के पति ललन सिंह ने पत्नी की जीत का किया दावा। मुंगेर की हवेली खड़गपुर नगर थाना इलाके के खड़गपुर थाना इलाके में अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। भागलपुर अंबेडकर विचार विभाग के दरवान कमल किशोर बने सहायक प्रोफेसर, तत्काल नियुक्ति पर विश्वविद्यालय ने लगाई रोक। नालंदा के नूरसराय थाना इलाके में मोहित मेडिकल हॉल में चोरी की कोशिश नाकाम, 2 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के धेबाजी में सैलाब का सितम, सैकड़ों हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। आज से शुरू हो रही बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा, द्वारका से पोरबंदर की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान, हरदीप सिंह पुरी समेत कई मंत्री होंगे शामिल। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा उज्जैन का महाकाल लोक का द्वार, कल शाम पीएम मोदी ने किया था महाकाल मंदिर से सटे हुए भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण। बैटरी कार से सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम मोदी ने महाकाल लोक का किया दीदार, अपने संबोधन में कहा महाकाल में सब कुछ अलौकिक असाधारण। उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, अपने गौरव को पुनर्स्थापित कर रहा है भारत, अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक कीर्तिमान लिखे जा रहे हैं। देशभर से आए करीब 700 कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने पेश किया नृत्य, शिव की वेशभूषा में कलाकारों ने किया तांडव नृत्य। कपाट बंद होने से पहले पीएम मोदी कर सकते हैं केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन, पीएम के दौरे से पहले सीएम धामी ने केदारनाथ धाम जाकर किया कार्यों का निरीक्षण। पीएम मोदी को देश विदेश में मिले उपहारों की आज होगी नीलामी, दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से कराई जा रही ऑनलाइन नीलामी। 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, जगतगुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, रामकथा संग्रहालय भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी।
अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। सरयू तट पर इस बार 16 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को मिला तलवार ढाल का चुनाव निशान। शिंदे कैंप की पार्टी का नाम बाला साहिबांची शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम असली शिवसेना, हमें ही हर हाल में मिलेगी तीर कमान का निशान। चुनाव आयोग ने शिवसेना का संबल किया है फ्रीज। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर मशाल लेकर जुटे उनके समर्थक। उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने मशाल का किया है चुनाव चिन्ह आवंटित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत रहेगी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली बेल के खिलाफ ईडी की अर्जी की खारिज। मुंबई नगर निगम का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी राज ठाकरे की पार्टी। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर नेताओं के साथ की बैठक। 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में चुनावी आगाज करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। सोलन में जनसभा को करेंगी संबोधित। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के लिए चंडीगढ़ के दफ्तर कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। पंजाब हरियाणा हिमाचल के डेलीगेट से वोट देने की अपील करेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी मीडियम में पढ़ाने की संसदीय समिति की सिफारिश के खिलाफ हुए केरल के सीएम पी विजयन। पीएम को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई 50 नई सीएनजी बसों को हरी झंडी। मनोज तिवारी बोले, केंद्र की बसों पर अपना नाम लिखकर वाहवाही लूट रहे। देवताओं के अपमान के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पहाड़गंज थाने में हुई 4 घंटे पूछताछ आरोपों के चलते देना पड़ा था मंत्री पद से इस्तीफा। लाहौरी गेट में गिरी इमारत पर एमसीडी की सफाई, कहा इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी। लाहौरी गेट हादसे में मृतक परिवारों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ। दिल्ली के एम्स में कश्मीरी अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह की कैंसर से हुई मौत। कोलकाता में टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य को लोगों ने दिखाए चप्पल। कोर्ट के बाहर पेशी के दौरान लोगों ने चोर चोर के लगाए नारे। भर्ती घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ जगमग। गुलाबी रंग की रोशनी से नहाई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, आईएमएफ ने साल 2022 के लिए 6.8% बताई आर्थिक विकास दर। साल 2023 में 6.1 रह सकती है आर्थिक विकास दर। तीसरे वनडे में भारत ने की 7 विकेट से जीत, 12 साल के बाद अपनी ही धरती पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज से हराया। मोहम्मद सिराज को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। पूरी सीरीज में उन्होंने शुरुआती ओवर के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी शानदार गेंदबाजी की। रोजर विन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन, निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में भारत की खराब शुरुआत रही, पहले मैच में अमेरिका ने 8-0 से हराया। उर्वशी रौतेला ने साड़ी पहने हुए फोटो किया शेयर, जिसमें वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनी नजर आ रही। विवेक अग्निहोत्री ने की आमिर कियारा के नई एड की आलोचना, बोले ब्रांड सोशल एक्टिविज्म के नाम पर बेवकूफी भरी चीजें दिखा रहा है, ऐसे बकवास करते हैं फिर कहते हैं हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म में नजर आएंगे, अब आपको अजय देवगन अजय चाणक्य के रोल को निभाएंगे। 16 जून 2023 को रिलीज होगी फिल्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 2.5 साल में चीन से रिश्ते काफी मुश्किल, लेकिन भारत हमेशा करता रहा बातचीत, क्योंकि पड़ोसी से बातचीत करनी पड़ती है। आईएमएफ ने 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। विकास दर घटने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, वैश्विक महामारी जैसे कारण। अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गबार्ड ने छोड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, वीडियो जारी कर राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी पर जमकर साधा निशाना। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा को आतंकी संगठन घोषित किया। पुतिन ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर रूस को बदनाम करने का आरोप लगाया। रूस के मिसाइल हमले के बाद लवीव में बिजली सेवा प्रभावित, बिना पावर सप्लाई के चल रहे हैं शॉप रेस्टोरेंट्स। रूस हमले के बाद कीव में बिगड़े हालात, आसमान में छाया रहा काला धुआं, सड़कों पर सफाई करते नजर आई यूक्रेनी लोग। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूस का मिसाइल हमला, हमले में एक शख्स की मौत। महसा अमीनी की मौत के विरोध में ईरान में 26वें दिन भी प्रदर्शन जारी, सड़क पर उड़े लोग। स्कूली बच्चों ने भी हुकूमत के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं।